व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप लोग कैसे हैं? होप करता हूं आप लोग सब बेटर ही होंगे। तो आज आ गई हमारी सेकंड वीडियो R15 के ऊपर में। सो, ये वीडियो है मेरे R15 के मेन स्टैंड के ऊपर पे, क्योंकि कंपनी ने R15 में मेन स्टैंड दिया ही नहीं, खाली साइड स्टैंड दिया है। तो ये बाइक खरीदने के बाद में सबसे पहले जो ओनर है गाड़ी के, वो सबसे पहले मेन स्टैंड को परचेस करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मैंने मेन स्टैंड जो है परचेस कर लिया है, वो परचेस किया है मैंने यामाहा RX100 का, जो ओल्ड मॉडल पहले बाइक आती टू स्ट्रोक का। तो वो मैं जो लोकल स्टैंड मिलती है मार्केट में, वो परचेस किया हूँ मैं। वो आपको मैं सब दिखाऊंगा अभी अनबॉक्सिंग करके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, एंड तक देखिएगा। करण की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं करण की ये वीडियो। सो गाइज, ये है मेन स्टैंड जो कि मैंने आज परचेस किया था, और इसकी प्राइस जो आपको शो कर रही है 421 रुपीज़। तो मुझे शॉप वाले ने डिस्काउंट दिया है, मुझे ये पड़ गई है 300 रुपीज़। तो मैं अब इसे आपको खोल के दिखाता हूँ। तो स्टैंड के पैकेट के अंदर में एक स्प्रिंग मिलती है, और ये कंप्लीट स्टैंड रहा। ये है यामाहा RX100 जो टू स्ट्रोक बाइक आती थी पहले, पुराना मॉडल वाली, वो उसकी ये मेन स्टैंड है। और इसके साथ एक पिन भी मिलती है लॉक करने के लिए, और एक सरक्लिप बोलते हैं इसको, ये सरक्लिप होता है इसको यहाँ पे लास्ट में लॉक करने के लिए, जो कि हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये स्प्रिंग की ज़रूरत भी नहीं है हमें। तो हमें इसे साइड करना है, और चलिए अभी इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको। सो गाइज, आप लेफ्ट साइड से देखिएगा, यहाँ पे जो साइड स्टैंड है उसके नीचे में यहाँ पे एक आपको पत्ती दिख रही होगी, उसमें यहाँ पे होल बना हुआ है। यहाँ पे आपके बीच में आपको स्टैंड फंसाना है, और यहाँ से जो पिन है वो आपको यहाँ से एंटर करना है, और एक सेम साइड ऐसे वहाँ पर भी है, वहाँ से आपको क्रॉस करना है। तो आपको करके दिखाता हूँ मैं। सो ये स्टैंड को अब लगाते हैं नीचे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक होल है, और ये स्टैंड को है आप ऐसे करके फंसाना है होल के बीच में। उसके बाद में एक पिन है, ये पिन को यहाँ से एंटर करना है। ये पिन को एंटर करने के बाद में एक ऑपोजिट साइड में सेम इस तरह के पत्ती है वहाँ पे, वो पत्ती में आपको देखना है कि वहाँ से पिन जो है वो आर पार हो जाए, ताकि जो है ये स्टैंड ये फंस जाएगा उस पर। अब जो है ये पिन है फंस गई है, आप देख सकते हैं ये फ्री मूव कर रहा है। अब हमें गाड़ी को सीधी करनी है। सबसे पहले ये साइड स्टैंड को आप अप कर लो, उसके बाद क्या करना है आपको, ये स्टैंड में ऐसे पैर रखना है, और ये पिछली फुटरेस्ट को होल्ड करना है, और इसको पीछे खींचना है ऐसे करके। आप देख सकते हैं गाड़ी जो है मेन स्टैंड पे आ गई है। आप देख सकते हैं गाड़ी जो है मेन स्टैंड पे आ गई है, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। आप अपना काम जो है जो भी करना है वो फ्री कर सकते हो। तो गाइस, आपने देखा कि गाड़ी जो है वो मेन स्टैंड पे आ गई है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ज़्यादा है। कम से कम आपको 50 से 80 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। और इसके फ़ायदे क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको सबसे पहला है वॉशिंग करानी गाड़ी आपको, अगर वॉशिंग में क्या होता है कि साइड स्टैंड में दोनों जो टायर है वो जमीन सटे रहते हैं, तो दो घूमता नहीं है दोनों चक्का, और साफ़ नहीं होता, वो एक पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है इसका चेन साफ़ करने का। तो आप जो है मेन स्टैंड लगा के चेन जो है घर पे आप साफ़ कर सकते हैं अपने खुद से, क्योंकि दोनों टायर तो हवा में आ गई है, आप देख सकते हैं, तो वो चेन क्लीन हो जाएगी। उसके बाद में मान लीजिए आपको दोनों चक्का की जो बेयरिंग है उसको ग्रीसिंग करनी है, वो भी आप आराम से कर सकते हो। इसमें आपको फ़ायदे ही हैं, और ये सबसे और बढ़िया चीज़ है कि ये स्टैंड जो है अटैचेबल एंड डिटैचेबल है, दोनों चीज़ है। इसमें निकल भी जाएगी, आपको निकालना है तो, अगर फिक्स करना है तो फिक्स करा सकते हैं इसको स्प्रिंग से। सो गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके एंड लाइक करके बताइएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और जो नया व्यूअर्स है उसको सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। तो ये मेरी सेकंड वीडियो है R15 पे, तो मिलते हैं आपसे थर्ड वीडियो पे, जो कि बहुत अच्छी कंटेंट रहेगी। तो मिलते हैं, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।